टू द चैनल। तो भाई गुड मॉर्निंग हो चुकी है। तो आज का दिन कुछ ऐसे कि आज हम जा रहे हैं भरमौर चोबिया पास। तो अभी बजे सुबह के 6, तो हम रोज़ सुबह जिम जाते हैं 6 बजे, तो आज हम जा रहे हैं भरमौर। तो भाई रेडी होते हैं, मैं तो भाई नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ, बस अब रेडी होना है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं भाई। और चोबिया हमारा गाँव है, तो भाई चलते हैं, अब रेडी होते हैं। मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बाकी फैमिली वाले रेडी हो रहे हैं, करते हैं भाई अपना ब्रेकफास्ट। अभी घर वाले अंदर रेडी हो रहे हैं, तो उसके बाद निकलते हैं 5-10 मिनट में। और हम 4 जने जा रहे हैं, मैं, प्रांदीप, पापा और साथ में मम्मी। यहाँ पे मम्मी और प्रांजल जी रेडी हो चुके हैं, मम्मी अभी तक रेडी नहीं हुए। जहाँ पे आज हम जा रहे हैं उधर जा रहे हैं हम कोई कम से कम भाई 17 साल के बाद। जब हम थे बच्चे 1-2 साल के, तभी हम 1-2 बार गए हैं, और इतने टाइम भाई गए ही नहीं, उस जगह की लोकेशन ही भूल गए हम कि भाई रास्ता कहाँ को है, कैसे है भाई वो गांव। तो आज हम, मतलब ऐसी सीधी सी बात है, 17-18 साल के बाद हम उधर जा रहे हैं चोबिया पास अपने गांव। तो चलते हैं भाई। तो भाई निकल चुके हैं अब, और भाई गाड़ी मैंने चलानी है, जहाँ पे रुकेंगे वहाँ पे शूट कर लेंगे। तो गाइज अभी हम पहुँच रहे हैं कुरा, और यहाँ से हमने पानी भर लिया, तो यहाँ से स्ट्रेट जाता है भाई भरमौर का रास्ता। तो अभी हम जा रहे हैं आगे, तो यहाँ से 5-6 किलोमीटर है मामू की शॉप राख में। तो गाइज अभी हम पहुँचे हैं बग्गा डैम के पास, तो ये रहा भाई बग्गा डैम। और भाई मणि महेश तो जा नहीं रहे, बट भाई यहाँ पे भंडारा लगा, तो शिव जी भगवान का प्रसाद ही खा लेते हैं। ये रहा सामने भाई भंडारा। वैसे तो सुबह ब्रेकफास्ट कर ही लिया था, बट फिर भी भाई भंडारा खाना था, मतलब शिव जी भगवान का प्रसाद तो खाते हैं भाई। ये आ गया भाई प्रसाद, परोंठा साथ में राजमा और दही और अचार। तो ये भाई यहाँ पे भंडारा लगा हुआ है, ये देखो भाई बग्गा डैम के पास बिल्कुल यहाँ पे, बहुत प्यारा भाई, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट बनाया है यार, बहुत अच्छा भाई। तो अब चाय भी पी लेते हैं। अंकल जी कहाँ से आए हो भंडारा लगाने के लिए? भंडारा लगाने हम मुक्तसर से आए जी। कहाँ से? श्री मुक्तसर साहब। ओके, कैसा लगा आपको हिमाचल? हिमाचल में हमको 20 साल हो गए आते लंगर लगाते हुए, 20वां भंडारा है हमारा। और इसके बाद पहले हम धनसों में लगाते थे। अच्छा सर। लॉकडाउन के बाद हम धनसों जा नहीं पाए, इसलिए पीछे ऊपर लगाया था खड़े बुके आगे। हाँ जी। अब बग्गा में लगाया है। ऊपर जाके आए मनी महेश? ऊपर अभी गए नहीं हम, तो लंगर लेके यहाँ पे चालू किया। अच्छा, 3 तारीख को चले थे। कब तक लगाएंगे? और हम 25 तारीख चलेगा हमारा। अच्छा, चलो 24-25 वापसी करेंगे। ठीक है। आंटी क्या हुआ अभी बताना जरा। अभी हुआ ये कि अक्षित ने बोला कि यूट्यूब में आएगा मेरा ब्लॉग, तो अभी हम पहुंचे हैं लाल, तो यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान ले रहे हैं, यहाँ से लेते हैं कुछ खाने पीने का सामान। और भाई यहाँ से व्यू देखो एक बार आप। सॉफ्ट ड्रिंक ले लिया हमने, तो पीते हैं भाई इसको। वाइट थार फर्स्ट टाइम ही देखी है मैंने। 40 रुपए पेटी? 500 जी। कौन साइज है? लार्ज कितने रहे? 700। 400 कौन है? 400 खुला कौन वाला? 10 पापा गद्दी है, बात कर रहा है पर गद्दी वर्गर का बड़ा नहीं पूरा साइज। सो गाइस वो रहा सामने भरमौर, और हमने भाई अलग रोड ले लिया अपने गांव के लिए। और वो भाई गांव पता नहीं कौन सा है, बट ये हमारे रिलेटिव है किसी का गांव है यहाँ पे। और भाई व्यू चेक करो यार, लुक एट दिस गाइस। और अपनी देखो प्रांदी पीछे देखना, यो। तो भाई फाइनली हमने एंटर कर लिया अपने घर वाला रास्ता, तो ये रास्ता जाता है भाई कुछ ऐसा, और यहाँ से बचता है भाई 5-6 किलोमीटर। और भाई यहाँ से व्यू चेक करो आप यार, लुक एट दिस व्यू, कितना प्यारा है। ये देखो भाई सामने बहुत प्यारा व्यू है यार हर कुछ। ये देखो भाई फर्स्ट टाइम ही आ रहे हैं भाई इस वाले रास्ते से, क्योंकि पहले हम, जब मैं 2 साल का था तभी आया था, और अब भाई काफ़ी टाइम बाद 17-18 साल बाद आए हैं हम यहाँ पे।
ये देखो भाई पूरी इंजॉय लेते हुए प्रांति अपना, ये देखो सिस्टम। तो भाई सामने से कितना प्यारा लग रहा है यार, अमेजिंग। हर कुछ अंकल पोटी कर रहे हैं शायद, मजाक कर रहा हूँ यार, पानी भर रहे हैं। और चलते हैं भाई, गाड़ी हमने वो लगाई है सामने। तो चलो भाई, ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है। प्रांति ऐसे चल चल ऐसे, बाजरा इसको बोलते हैं। अच्छा इससे होता क्या है, खाते हैं इसको? टेस्टी होती है। से गाड़ी निकलेगी या नहीं, निकल जानी है। तो ये लोकेशन भाई कुछ ऐसी। तो ये रहा सामने हमारा गांव। सो गाइस फाइनली रीच्ड अपने गांव पहुंच चुके हैं। तो पीछे रहेगा थोड़ा सा गांव और गाड़ी हमने यहां पे लगाई है। और भाई लुक एट दिस व्यू यार, ये वाला पहाड़ कितना प्यारा लग रहा है। फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यार ये सब मैं। ये देखो भाई हर कुछ यार, हर कुछ भाई बहुत प्यारा यार। ये तो मन कर रही है यहाँ पे ही रहे हम, चंबा छोड़ देते हैं। इतना प्यारा व्यू यार, क्या प्यारा है यार। ये देखो भाई वादियाँ, और ये हमारे चंबा वाले ताई। ताई जी नमस्ते, नमस्ते। तो ये भाई कुछ व्यू यहाँ का भाई, बहुत प्यारा है यार। ये देखो, हाँ जी जना, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कैसा लग रहा है? भी मेरे को वीडियोग्राफर बनने दे। बट फिर भी कैसा लग रहा है यार, ये तो बता दे। क्या बोलती है, मन कर रहा है चंबा छोड़ने का? है? अरे फिर भी यहाँ पे रहने का थोड़ा, मतलब एक को एकर महीने, मतलब अगर ओकेजनली घूमने आना तब तो आ ही सकते हैं। बढ़िया ना। ये भाई सामने जितना भी ये बॉक्स देख रहे हो ना, जितने भी बॉक्स देख रहे हो, ये सारा शहद है ना गांधी। और ये यहाँ के रिलेटिव हमारे, ये देखो बीड़ी जलेले जिगर से पिया। पापा की शक्ल दिखा, जूम मार के। गद्दी भाई समझ नहीं आ रही, जिसको समझ आ रही है वो समझ लेना ठीक है। ये देखो भाई गद्दी कुत्ता। तो भाई ये है सारा अपना गांव, ये सारे जितने भी घर है भाई अपने रिलेटिव्स के ही घर है, ये जो भी सारे देख रहे हो आप। तो अभी हम उस वाले घर पे थे जहाँ पे धाम लगी हुई है। अभी हम जा रहे हैं अपने घर, जो हमारा घर है चोबिया में। तो वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो अभी तो आपको मैंने गांव दिखाया, अपना अपना घर तो दिखाया नहीं जो हमारा घर है यहाँ पे। तो चलते हैं भाई, इधर नीचे है कहीं पे, तो चलते हैं भाई। फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं, ये रास्ता जाता है अपने घर को। कहते हैं कि भाई ये वाला घर है, ये तो बहुत प्यारी लोकेशन में है। ये देखो भाई कितनी प्यारी लोकेशन है, और साथ में घर के पीछे यहाँ पे छोटा सा बनियारा टाइप है। ये देखो, और भाई ये कुछ व्यू देखो आप, बहुत प्यारा यार, बहुत प्यारा। ये देखो वाह, तो ये वाला घर है। हाँ जी 18 साल बाद आए हैं देखने। ये रहा भाई, ये घर है भाई अपने दादू का। और ये देखो व्यू, अंदर ही से शायद निकलता है, पीछे से निकलता है। काफी है ना, ये बस ये रोड चले ना, दुदारी की चीज मुंडा। जितने भी घर हैं ये सारे अपने रिलेटिव के ही घर हैं, और ये अपने दादू का घर। ये है भाई घर, फर्स्ट टाइम आए हैं। रूम से व्यू देखो आप, ये देखो भाई पूरा पेड़ लगे यहाँ पे। ये किचन इतना बारीकी लगाया हूँ,
और भाई घर से लोकेशन देखो कुछ ऐसी है। सुबह उठते ही लाश के दर्शन यहाँ से हो जाते हैं। ये देखो सामने है कौन सा लम्मा, वो सामने ना जो ढके हुए हैं। बिल्कुल ये देखो, आओ बूजी ऊपर आओ। ये बोल दिया अपने घर अच्छा 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 जो तो फ्रेंड्स वो है बूजी और बुला रहे हैं कि हमारे घर भी आओ। गद्दी भाषा में बोले तो कुछ समझ आया कुछ। तो भाई आज जो हमारा स्टे होगा वो होगा हमारा भरमौर में, क्योंकि हमने शाम को देखनी 84 मंदिर की आरती, 8 बजे लगती है। और भाई अब घर को करते हैं बाय बाय बाय। तो फिर भाई चलते हैं अब, और ये रहा हमारे दादू जी का घर पीछे, चलो जी चलते हैं अब। तो भाई यहाँ पे लंच कर लिया, तो भाई लंच हो चुके, तो अब निकलते हैं भाई भरमौर को। तो भरमौर हमने होटल बुक करवा लिया, तो उधर जाएंगे रात को। भाई आपको 84 की आरती दिखाएंगे। इधर वैसे तो बोल रहे थे रुकने के लिए, बट हम रुके नहीं क्योंकि हमने 84 मंदिर आरती देखनी है रात को 8 बजे, फिर सुबह चले जाना हमने अपने चंबा को। और यहाँ पे भाई सारे रिलेटिव टाटा बाय बाय करने आ चुके हैं, इनको तो मैं जानता हूँ, बाकियों को जो ये दिख रही है ना इनको नहीं जानता मैं। सो फाइनली भाई होटल के पास आ चुके हैं, यहाँ पे हमने अपना रूम बुक करवाया और गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दिया, 3rd फ्लोर पे ले आए। देखो भाई शायद भरमानी का पापा होते ही ये वाला रास्ता जाता होगा, तो शायद आज हम भरमानी माता भी जा सकते हैं। अभी फिलहाल रूम देखते हैं, ये है रूम कुछ ऐसा है। बुकिंग की आपने कहा बुकिंग? तो सो ये है रूम कुछ ऐसा, तो यहाँ से भाई व्यू दिखता है पूरे भरमौर का। ये देखो वो रहा भाई पीछे 84 मंदिर टेंपल, यहाँ पे वो रहा वो, और यहाँ पे भाई जाएंगे थोड़ी देर में। और भाई ऐसा व्यू है कुछ यहाँ का,